अलैकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ जी। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल सिंपल सी आसान से रेसिपी, चिकन करी की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो अब मैंने यहाँ पे लिया है 1 kg चिकन और इसकी पीसेस बिल्कुल मीडियम साइज़ की रहेगी। छोटे छोटे पीसेस मीडियम साइज़ की कट करवा लें और इसे अच्छी तरह से पानी से वॉश करें। वॉश करने के बाद इसका पानी अच्छी तरह ड्रेन कर दें। जब इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए तो अब मैंने लिया है यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ का प्याज और इसे चॉप कर लें, रफली चॉप करें। अच्छी तरह से इसे चॉप करने के बाद ये चॉप ऑनियन, उसके बाद जो है फिर मैंने यहाँ पे लिया है टमाटो और ग्रीन चिली। तो 3 टमाटो लिया है मैंने, ये भी मीडियम साइज़ का है टमाटर। इसे भी चॉप कर लें और ग्रीन चिली भी चॉप कर लें। इससे चिकन में फ्लेवर बहुत अच्छा सा आएगा। और क्रश जिंजर, 2 टेबल स्पून क्रश जिंजर और 2 टेबल स्पून गार्लिक, वो भी क्रश रहेगा, पेस्ट नहीं, क्रश लें। इसके बाद मैंने वॉक लिए पॉट में हीट कर लें पहले गैस पे, और उसके बाद इसके गैस का फ्लेम कम कर दें, लो करें। उसके बाद मैंने 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल डाला है। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसके बाद मैंने इसमें डाला है ऑनियन को, जो उसे फ्राई करना है। ये बैचलर लोगों के लिए भी बहुत ही आसान और ये जल्दी से, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये जल्दी से बन जाती है। ये रेसिपी आसान है, ज़्यादा इसमें कोई भी वो नहीं है, बहुत जल्दी बनती है ये रेसिपी। तो आप ईद के टाइम पे भी ये रेसिपी आप बना सकते हैं। अभी हमारी ईद आने वाली है और आप इसे चिकन में, मटन में किसी तरह से इसी तरीके से अगर बनाएं, बहुत अच्छे से रेसिपी बन के तैयार होगी। तो जी, बस ऑनियन को इसी तरह फ्राई करते रहे हैं। बस ऑनियन को हमें गोल्डन फ्राई करना है। और ईद में तो बहुत सारे काम होते हैं, तो इस तरह से आप देखें ऑनियन हमारा फ्राई हो रहा है। गैस का फ्लेम बिल्कुल कम रखें। बस चिकन को इस तरह से मैं फ्राई करूंगी ऑनियन को। और ईद पर आप बनाएं इसे, इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी टेस्टी सी बन के तैयार होती है और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो आप भी ट्राई ज़रूर करिएगा ईद पर। और चिकन से बनाएं, मटन से बनाएं, इसी तरीके से बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है बनके। देखिए इसका ऑनियन का कलर भी चेंज हो गया है। अब देखिए हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है ऑनियन, इस तरह से गोल्डन ब्राउन करने के बाद अब इस पे हमारा जाएगा जो मैंने जिंजर गार्लिक उसका क्रश करके रखा है, इसे इसमें डालेंगे और ऑनियन के साथ इसको भी फ्राई करेंगे। ऑनियन हमारी अभी फ्राई हो गई है। अब इसके साथ जब जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा इसके अंदर, तो इसे भी, इसका प्याज इससे सॉफ्ट हो जाएगी और गार्लिक भी पेस्ट जो है वो सब फ्राई हो गया। अभी देखें ये सब फ्राई होने के बाद अब इसमें मैंने डाला है चिकन और ग्रीन चिली जो मैंने चॉप करके रखी थी, उसे भी डाल देंगे। अब इसे इतना इसे फ्राई करना है ये बिल्कुल टमाटो सॉफ्ट हो जाए। टमाटो के पानी से इसकी अच्छी सी ग्रेवी तैयार होगी इसकी। बस इस तरह से टमाटो को सॉफ्ट करना है। अब इसका कलर देखिए चेंज हो रहा है इसमें। अब इसमें मैं डालूंगी चिकन, अब डाल दें। अरे चिकन का पानी अगर इसमें से निकल जाएगा तो बहुत अच्छा सा, क्योंकि इसमें पानी कम होना चाहिए। पानी अगर इसमें रहेगा तो फ्राई करने में मुश्किल होती है। तो इस तरह से आप चिकन को फ्राई करेंगे साथ में। यहाँ मैंने लिया है 1 kg चिकन है ये, बस इसे मिक्स कर लें। इसे बैचलर लोगों के लिए भी बहुत आसान है, वो लोग भी बहुत आसानी से बना सकते हैं इसे। और इसी तरह से इसे मिक्स करें और फ्राई करते रहें। चिकन का कलर चेंज हो जाएगा बिल्कुल। इसे फ्राई करें और टमाटो, ऑनियन और चिकन का पानी जो निकलेगा वो सब ड्राई हो जाएगा इसके अंदर, और अच्छी तरह से टमाटो भी इसमें कुक हो जाएगा।
आप जब भी चाहें, बहुत जल्दी ये रेसिपी बनके तैयार होती है, तो इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अभी ये देखें, अब हमारा चिकन, हमारा देखिए कलर छोड़ दिया, बिल्कुल कलर इसका चेंज हो रहा है और बहुत अच्छा सा इसका कलर आ रहा है। अब इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर 1.5 टेबल स्पून, मैं टेबल स्पून डाला है, और टर्मरिक पाउडर 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करना है। इसके बाद फिर इसमें जाएगा चिकन मसाला, मैंने इसमें ऐड किया है 3 टेबल स्पून चिकन मसाला ऐड करें, और सॉल्ट डालें, सॉल्ट अपने हिसाब से डालें क्योंकि चिकन मसाले में भी सॉल्ट होगा, तो इस तरह से आप मसाले में चेक करके डालें सॉल्ट को। बस इसे मिक्स कर लें, पूरे मसाले को हमें मिक्स करना है, इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाएगा। और बहुत अच्छी सी, यकीन माने इतनी टेस्टी सी रेसिपी ये बन के तैयार हुई। देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा सा, लुक्स इसका बहुत अच्छा आ रहा, और टेस्ट भी इसी का बहुत अच्छा आएगा। तो जी ईद पर ज़रूर बनाइएगा, ये ईद स्पेशल रेसिपी है, और आप नान से खाएंगे इसको। और अब इसके बाद इसमें जाएगा, देखिए कलर चेंज हो जाएगा इसके लिए, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर मैंने डाला है, इसी ग्रेवी का कलर और भी अच्छा सा आएगा, और टेस्ट भी इसका अच्छा बहुत अच्छा आता है। बस इसे मिक्स कर लें अच्छी तरह से, और इसे फ्राई कर लें। मसाला और ये सब हमारा इसमें रोस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने डाला है 4 टेबल स्पून मैंने लिया है योगर्ट, उसे अच्छी तरह से फेंट लें। फेंटने के बाद फिर इसमें डालें, गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर दें, वरना दही मिक्स करेंगे तो दही मतलब ख़राब हो जाएगी, फट जाएगी, इसका फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा बिल्कुल। अब देखिए, देखिए हमारी ग्रेवी का कलर कितना अच्छा सा आ रहा है, इसका लुक्स। बस इसे भूनते रहें अच्छी तरह, गैस का फ्लेम बिल्कुल कम रखें। अब इसमें जाएगा, आपको जितनी थिक ग्रेवी रखनी है उसी हिसाब से आप इसमें वाटर को ऐड करें। मैंने इसमें 1 कप वाटर ऐड किया है, और अब इसे कवर करके रख दूंगी 10 मिनट्स के लिए, क्योंकि चिकन हमारा उसमें कुक हो चुका है, पहले ही मैंने फ्राई किया था उसमें। अब ये देखिए हमारी ग्रेवी कितनी अच्छी सी तैयार हुई है बनके। तो आप नान से खाएं, चपाती से खाएं, और जिस तरह से भी आप खाएं, ईद पे ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चलें अब सर्व करते हैं इसे, बहुत टेस्टी सी रेसिपी बनके तैयार हुई है। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फर्स्ट मिले। और ग्रेवी देखें इसकी कितनी अच्छी सी तैयार हुई है, टेस्टी और यमी सर चिकन करी तैयार हुई है। ये बैचलर लोगों के लिए भी बहुत आसान है, जल्दी जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है, और कम इंग्रेडिएंट्स में बनती है ये रेसिपी। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो जी इसके साथ मैंने नान भी बनाई थी, और नान की रेसिपी इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा आपकी रेसिपी कैसे बन के तैयार हुई। तो चिकन के साथ नान और चपाती, देखिए बहुत ऐसे आप नान से खाएं, चपाती से खाएं, जिस चीज़ से भी आपको अच्छा लगे, बहुत ही अच्छा सा कोरमा यह बन के तैयार हो, तो आप भी ट्राई करिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अच्छे से वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।